चिकन की ब्रेस्ट ली और इसको तेज छुरी से इस तरह से काटना है। अब इसके बाद छुरी के उल्टे सिरे से इस तरह से चलिए और इसको थोड़ा सा मैं मैरिनेट। आई कैन हेल्प यू आउट। यू कैन हेल्प। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे भी बहुत शौक है। शौक है? आई लव कुकिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको कुछ काम दे देता हूँ। या दैट विल बी फाइन। गाजर है okay. इसको ग्रेट कर लें बस। हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ। आराम से कर सकते हैं। आराम से। ये बहुत सिंपल सा काम है। ओके तो इसकी स्टफिंग के लिए बारीक कटा हुआ प्याज या हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन और ये खूबसूरत सी जो चीजें हैं शिमला मिर्च, लाल और पीली, दिखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। बहुत ही बढ़िया है। चलिए ये हो गया और इसके साथ थोड़ा सा चीज और ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा कैलोरी, थोड़ा सा ही डालें ना, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये नमक इसमें, कैरेट कैसी हो रही है? कहाँ है ये? अच्छा अंदर है। अब निकालती हूँ। हाँ बहुत बहुत अच्छी की। तो फिर अब इतनी मेहनत की है तो कैरेट भी यहाँ डाल दीजिए। ठीक है बस इतनी सी? हाँ बस बहुत है। पर कैसा लग रहा है कैरेट को ग्रेट करना? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। तो और करती रही, मुझे चाहिए नहीं लेकिन आप करिए। ये काम मैं खुद नहीं करती हूँ। अच्छा मेरी जो लड़की है घर पे उसे करवाती हूँ। अच्छा तो ये जो किचन में काम है अब जैसे छोटी माँ सब लोग ऐसे जानते हैं आपको तो उसमें बड़ा मजा आता होगा काम करने में। आपको एक पते की बात बताती हूँ। हाँ हाँ। छोटी माँ में एक ऐसा सीन नहीं हुआ है, हालांकि माँ का एक इमेज होता है कि वो किचन में बच्चों के लिए खाना पकाती है, पर आज तक एक ऐसा सीन नहीं हुआ है जिसमें मैं बच्चों के लिए या किसी के लिए कुछ बना रही हूँ किचन में। बट रियल लाइफ में ऑफ कोर्स आई लव कुकिंग। मतलब छोटी माँ में भी थोड़ा खाना बनाना चाहिए मुझे लगता है। खैर ये गाजर, प्याज, कैप्सिकम और थोड़ा सा चीज, ये भी दिखने में कितनी अच्छी, इसको भी इसमें डाल देते हैं। ये जो स्पैरगस की टिप्स हैं सिर्फ इसी में सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है और ये भी कच्ची इसी तरह से डाल रहा हूँ मैं। अब इसको मैं रोल कर देता हूँ। ये देखिए बस कितना सिंपल है। अच्छा अब ये जो स्टफिंग की है अब ये खुल सकती है, निकल सकता है तो थोड़ी सी टेंशन है तो कम कर लेते हैं जी। ये हरे प्याज की पत्तियां हैं ये रही, तो इससे इसको बांध देते हैं। अरे वाह। अब इसको ओवन के अंदर बेक कर लेते हैं जी। क्योंकि खाना बनाते समय जैसे बेकिंग है, स्टीमिंग है, रोस्टिंग है, उसमें बिना तेल के काम हो सकता है ओके। तो इसको हम ओवन में पका देते हैं। और ये कौन सा ऑयल है? ये नॉर्मल ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, वो भी इसमें नहीं डाल रहा हूँ ताकि ये नीचे चिपके नहीं, तो दो चार बूंद तेल की सिर्फ, जस्ट फॉर दैट और कुछ नहीं। जिस तरह की ये ट्रे है शायद चिपकेगा भी नहीं ओके, लेकिन वो इसके अंदर नहीं जा रहा है। ये चिकन ये आप खुद बना सकते हैं, कर सकते हैं ऑफ कोर्स। कितना सिंपल है। अब जब मैं घर जाऊंगी मुझे वक्त मिलेगा तो सबसे पहले यही डिश बनाऊंगी एंड आई एम नॉट जोकिंग। नहीं नहीं आई विल डू इट। छोटी माँ में अभी तक आपने नहीं बनाया बट रियल लाइफ में तो रियल लाइफ में मौका ही नहीं मिला छोटी। तो इसको ओवन के अंदर, और ओवन में जितना ओवन आपका सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म होता है उस तक उसको गर्म कर लें और 180 डिग्री है, 200 डिग्री है, कुछ फर्क नहीं ज्यादा पड़ता। इस डिश को सिर्फ बेक किया जाता है, इसे स्टीम नहीं कर सकते? स्टीम भी कर सकते हैं लेकिन अंदर जो हमने चीजें डाली है उसे बेक करना जरूरी है। ओवन के अंदर और अब इसको कुछ देर के लिए पकने देते हैं okay. चिकन आराम से पकेगा। इसकी सॉस तैयार करनी है हमने और सॉस के लिए थोड़ा सा तेल, तो ये तेल गरम हो गया और इसमें चॉप्ड गार्लिक बारीक कटा हुआ okay. लहसुन इसमें मैंने डाला, हल्का सा इसको हमने पकाना है, बहुत थोड़ा सा कुछ चाहिए आपको? हाँ ये कैप्सिकम, जो हरा वाला कैप्सिकम है ये भी बारीक चॉप किया है, इसे भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप का सॉस है क्योंकि ये मतलब अभी बनाना शुरू किया है, मुझे भी नहीं मालूम ये क्या है बट देखते हैं। और क्योंकि नएपन की बात है जी। तो इसमें डालते हैं हम थोड़े से संतरे, ये संतरे के फ्रूट्स भी आ गए देखिए, सब्जियाँ, फल, चिकन सब कुछ।
like a balanced diet. हाँ, अब ये जो है संतरे के पीसेस हैं, कुछ खास इसमें मैजिक नहीं है. ओके. सिर्फ उसके जो बीज हैं वो निकालेंगे. ओके. और आधे में काटा हुआ है. जी. ये अब आ गया संतरे का रस. अच्छा, वो भी संतरे के साथ? संतरे का रस, संतरे के साथ संतरे का रस. और इसके अंदर मैं डालता हूँ टोमेटो केचप. टोमेटो केचप और इसमें पेपर डाल देते हैं, फ्रेशली क्रश्ड पेपर. इसमें हम हर्ब्स भी डाल सकते हैं. okay. जो बाजार में हर्ब मिलती हैं फ्रेश डाल सकते हैं. मेरे पास तो बहुत सारी हैं, देखते हैं. ये ड्राइड हर्ब्स हैं. थोड़ी सी ड्राइड हर्ब्स, इसको मिक्स कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा धीरे कर देता हूँ मैं. ये शिमला मिर्च. ये इसे सॉस में ऐड करेंगे आप? हाँ, सोच रहा हूँ, क्योंकि ये पड़ी हुई थी वहाँ पर, तो ऐसे पड़े पड़े तो यहाँ पर ये मैंने गरम कर लिया. ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर ग्रिल करना है. ये जो सॉस है ये ऑलमोस्ट रेडी है. और ये क्या? थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च है. ज़्यादा नहीं, इसे मैं हटा देता हूँ. और ये जो कैप्सिकम है ये देखिए कैसा. हाँ बिल्कुल. और चिकन चेक करना बहुत ज़रूरी है. चिकन अब ऑलमोस्ट हो चुका, बिल्कुल हो चुका है. ये जो चिकन है इसे मैं निकाल लेता हूँ. ये देखिए वाव, चिकन पक चुका है. और यदि आप इसको थोड़ा सा ग्रिल करना चाहें, इसको थोड़ा सा कलर करना चाहें. अच्छा, बेक होने के बाद ये काफी छोटा हो गया. हाँ, श्रिंक हो जाता. श्रिंक हो जाता. चिकन हो गया, कैप्सिकम हो गया, सॉस हो गई. ये जो कैप्सिकम है इसको सिर्फ इस तरह से काटना है मुझे और सॉस के अंदर डालना है ये. अच्छा, इसे भी सॉस में डालेंगे आप? हाँ, अब ये जो इसका बर्न्ड टेस्ट है. अच्छा, वो इसके अंदर जाएगा. इसकी वजह से जो सॉस है थोड़ी सी कड़वी लगेगी. वैसे ये बनाना तो बहुत सिंपल है जैसे आपने कहा, बट इसके पीछे आपने लगता है काफी मतलब रिसर्च किया. हाँ, रिसर्च किया, ऐसे लग रहा है जैसे कि इसमें कुछ नहीं किया, टेस्ट आना चाहिए. और इसमें अब ये जो है चिकन रेडी है. अब इसको निकाल लेते हैं. और अब चाहिए तो इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको काट सकते हैं. तेज छुरी होनी चाहिए और इस तरह से काट लेते हैं. ये देखिए अंदर, हाँ अंदर हरा और लाल रंग. वाओ, तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है. अब ये चिकन हो गया, चिकन काट लिया. राइट. थोड़ा सा नींबू काट लेते हैं. जी. नींबू के राउंडल्स और इस तरह से बीच में से आधे में सिर्फ चीरा लगाना है. ये तैयार कर लिया. टमाटर तैयार कर लेते हैं. और ये जो टमाटर है इस तरह से काटने के बाद तेज छुरी से एक बार फिर ये आउटर स्किन. हाँ बस. तो ये जो चिकन है इसे हम रख देते हैं, देखिए. और ये जो सॉस है तो इसे आप इंडियन डिश कहेंगे या कॉन्टिनेंटल? इसको इंडियन डिश कहेंगे या कॉन्टिनेंटल, ये तो मैंने सोचा नहीं. आपको कुछ पेट नेम है क्या? मेरा पेट नेम? हाँ हाँ, गुड्डी. गुड्डी. तो अब इसका ये इंडियन है या नहीं, पर ये है स्टफ चिकन आला गुड्डी. गुड्डी चिकन हो गया. बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 कटी हुई प्याज, आधी लाल शिमला मिर्च, 1/4 कप ग्रेट किया हुआ चीज, 1 ग्रेट की हुई गाजर, 4 से 5 asparagus, आधी पीली शिमला मिर्च, हरे प्याज की पत्तियां, 1 बड़ा चम्मच तेल, 4 लहसुन की कलियां, 2 हरी शिमला मिर्च, 8 से 10 संतरे के टुकड़े, 1 कप संतरे का रस, 1.5 चम्मच टोमेटो केचप, 1/2 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और सजाने के लिए 1 नींबू, 1 टमाटर और कुछ पत्तियां पुदीने की.
बोनलेस चिकन ब्रेस्ट को तेज चाकू से काट कर खोल लें और उस पर नमक और काली मिर्च छिड़कें। कटे प्याज, ग्रेटेड चीज, ग्रेटेड गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च में नमक डालकर स्टफिंग तैयार करें और उसे चिकन पर रखें। इस पर एस्पैरेगस की टिप्स रखकर उसे फोल्ड कर लें और हरे प्याज की पत्तियों से बांध लें। इसे अवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट तक पकाएं। सॉस के लिए एक पैन में तेल गरम करें और उसमें कटा लहसुन, शिमला मिर्च, संतरे के टुकड़े और संतरे का रस डालकर पकाएं। अब इसमें टोमेटो केचप, कुटी हुई काली मिर्च और ड्राइड हर्ब्स डालकर कुछ देर तक पकाएं। कॉर्न स्टार्च डालकर सॉस को गाढ़ा करें और ग्रिल्ड शिमला मिर्च के टुकड़ों को सॉस में डालकर पके हुए चिकन के ऊपर डालें और गर्मा गर्म परोसें।